टोहाना में जेजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जेजेपी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बलदेव सैनी अपने परिवार और समर्थकों समेत बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। आज बलदेव सैनी जो बहुत सालों से और मैंने तो जब से राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, इनको मैं INLD पार्टी में देख पा रहा था। INLD उसके बाद जब ये परिवार अलग होकर के नई पार्टी JJP बनी तो उस JJP में इन्होंने काम किया, तो हमारे साथ पूरा परिवार और अपने मित्रजनों सहयोगियों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। एक और कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रणधीर पुनिया अपने परिवार समेत बीजेपी में शामिल हो गए। सुभाष बराला ने उनको बीजेपी की सदस्य दिलवाई। हरियाणा विधानसभा के सदस्य की बड़ी संख्या में पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि 75 प्लस का जो हमारा उस समय का जो टारगेट था, ये आज कहीं आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी में विपक्षी दलों से नेताओं का टूट टूट कर आने का जो सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे लोकसभा की सभी सीटें जीती थी, उसी तरह बीजेपी का 75 प्लस का नारा सही साबित ना हो जाए। R9 TV के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।